माननीय जो धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर तीन देशों के जो अल्पसंख्यक यहाँ आए हैं, जो माइनॉरिटी यहाँ, मैं माइनॉरिटी शब्द इसलिए बार बार बोलता हूं कि आपको मालूम पड़े माइनॉरिटी की ही चिंता है। माइनॉरिटी जो वहां से यहाँ आई है माननीय, जिसमें हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी है, क्रिश्चियन भी है, उनको एक अर्जी लगाने से नागरिकता मिलेगी और इसके रूल्स भारत सरकार बाद में बनाएगी। यह प्रावधान किया जा रहा है कि ऐसे प्रवासी अगर नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा के तीसरे शेड्यूल की शर्तें पूरी करने के उपरांत नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो उनको भारत में उनके प्रवेश से ही नागरिकता दी जाएगी। माननीय, उनकी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि आज वो बेचारे अप्लाई करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये भारत के नागरिक नहीं है। बीच में किसी ने छोटा सा घर ले लिया है, किसी ने स्कूटी ले ली, किसी ने साइकिल ले ली, किसी को छोटी बहुत नौकरी भी मिल गई है, कुछ मिलता नहीं है मगर किसी को मिल गया तो उसको डर है कि मेरा ये छीन जाएगा। तो ये बिल उनको प्रोटेक्ट कर रहा है और मैं मानता हूं कि सदन के सभी सदस्यों को, विशेष करकर बंगाल के लोगों ने, बंगाल के अंदर जो शरणार्थी है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर शरणार्थी है, उसको ये बात अच्छे से पहुंचानी चाहिए कि आप जिस तारीख से भारत में आए हो उस तारीख से आपको नागरिकता दी जाती है, बीच में किसी की भी जरूरत नहीं, कोई रेशन कार्ड निकालने की जरूरत नहीं, खामखा लाइने मत लगाइए, कोई आपको डरा देता है डरिए मत। मैं कहता हूं देश के गृहमंत्री के नाते, आपके पास रेशन कार्ड है या नहीं है हम नागरिकता देंगे। माननीय, अगर ऐसे अल्पसंख्यक, एक दूसरी दुविधा है कि मैं आज एप्लीकेशन करता हूं तो अब तक तो अवैध रूप से मैं रहा तो मुझ पर केस हो जाएगा, ये भी भय है, ये भय खड़ा भी किया जा रहा है, प्रचार करती है कुछ पार्टियां कि एप्लीकेशन मत डालो वरना जेल में जाओगे। अरे भैया क्यों जेल में भेजना है, बेचारे वैसे ही परेशान है। तो माननीय, हम प्रोविजन लेके आए हैं कि ऐसे अल्पसंख्यक प्रवासी के खिलाफ, अवैध प्रवासी या नागरिकता के बारे में कोई भी कार्यवाही चल रही है या चल सकती है तो वो भारत के नागरिकता मिलने के साथ ही खत्म हो जाएगी किसी भी प्रकार का, और वो ऐसी कार्यवाही चल भी रही है तो कार्यवाही के साथ भी एप्लीकेशन करने के लिए पात्र होगा। मगर किसी पे केस चल रहा है तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। माननीय, इसमें यह भी प्रोविजन किया है कि भारत सरकार का जो सक्षम अधिकारी होगा, इस कारण से नागरिकता के आवेदन को खारिज नहीं कर पाएगा, उसके खिलाफ अवैध प्रवास या नागरिकता के विषय में कोई कार्यवाही चल रही, ये प्रोविजन भी हमने करा है। माननीय, इस धारा में हमने ये भी प्रावधान किया है कि अगर कोई आवेदक आवेदन की तिथि को किसी भी प्रकार से अधिकार या प्रिविलेज ले रहा है, मतलब मानो किसी की शादी हो गई, किसी को छुटपुट छोटी मोटी नौकरी मिल गई, प्यून बन गए या कुछ भी बन गया, किसी ने छोटा मोटा मकान खरीद लिया, कोई प्रिविलेज ले रहा है तो इस प्रावधान के तहत आवेदन करने से, इन अधिकार व प्रिविलेज से वो वंचित नहीं किया जाएगा, उसको संपूर्ण प्रोटेक्शन मिलेगा। माननीय, ये भी हमने प्रोविजन किया है, बहुत सारे संसद सदस्यों ने, श्रीमान गोगाई जी ने भी एक मुद्दा उठाया था कि पूर्वोत्तर लोगों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक रक्षण के लिए आप क्या करोगे। माननीय, इस बिल के अंदर हम इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं इस सदन के सामने पढ़ना इसलिए चाहता हूं कि पूर्वोत्तर के अंदर या तो समझकर या तो समझे बगैर ढेर सारे लोगों के मन में एक भय खड़ा करने का प्रयास हो रहा है और किसी को भय आक्रांतित होने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको बहुत स्पष्टता के साथ यहां आपके सामने माननीय रखना चाहता हूं। माननीय, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के अनुसार कवर होता है और
जो बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के अनुसार कवर होते हैं, इसको ये कानून का कोई डर रखने की जरूरत नहीं है, वहां ये कानून ये नागरिकता अप्लाई नहीं होगी। नागालैंड पूरा थोड़ा हिस्सा छोड़कर इनर लाइन परमिट सिस्टम से प्रोटेक्टेड है, उनकी वो प्रोटेक्टेड प्रोटेक्शन चालू रहेगा। मिजोरम भी पूरा इनर लाइन परमिट सिस्टम से प्रोटेक्टेड है, जो कि बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 का प्रावधान है, तो वो भी चालू रहेगा। मणिपुर राज्यों की भावना को ध्यान में रखकर मणिपुर को हम इनर लाइन परमिट की सिस्टम के अंदर ला रहे हैं। मणिपुर की घाटी की बहुत बड़ी समस्या का आज समाधान। माननीय मणिपुर की घाटी के सारे लोग बहुत समय से इसकी मांग कर रहे हैं, और मैं आज मणिपुर के लोगों के ओर से देश के प्रधानमंत्री का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मणिपुर की ये सालों पुरानी मांग को आज समाप्त कर दिया। त्रिपुरा में एडीसी क्षेत्र में सीएबी लागू नहीं होगा, और हाई लेवल कमेटी जो बनाई है उसी में सारे ट्राइबल को समाहित करने का काम किया है। मेघालय पूरा सिक्स शेड्यूल से कवर है, सिक्स शेड्यूल को हम इसके बाहर रख रहे हैं। आसाम का जहां तक सवाल है, बीटीसी, कार्बी आंग्लो, डीमा, हसाव, ये सारी एडीसी को सीएबी से बाहर रखा गया है, और जो आसाम का मूल प्रदेश है वहां पर क्लॉज सिक्स, सुबह गौरव भाई बात करते थे कि आसाम एकॉर्ड का ये भावना है, भावना है। गौरव जी, भावना को क्या करोगे? 1985 में राजीव गांधी जी ने आसाम एकॉर्ड करा मान्यवर, उसके बाद में कुछ नहीं किया, सिर्फ भावना ही रही। पहली बार क्लॉज सिक्स की कमिटी श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाई है, और आसाम के भाषा भाषी लोगों को उनकी संस्कृति और राजनीतिक पहचान को जिंदा रखने का आज एक प्रयास हम कर रहे हैं। क्या किया भाई बताओ? मैं आसाम की जनता को भी पूछना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से कि जिन्होंने आसाम एकॉर्ड किया इतने साल तक क्या किया? आसाम एकॉर्ड की कौन सी चीज को आप इंप्लीमेंट किया? एनआरसी किया? ना जी। क्लॉज सिक्स हो किया? ना जी। क्या किया? तो 71 तक के सारे लोगों को लाकर बसा दिया। तो आसाम का क्या हुआ भाई? कुछ नहीं हुआ। 15-15 साल तक कांग्रेस का शासन वहां रहा, कोई नहीं बोला। अब जब हम लेकर आ रहे हैं, हम इस समस्या का समाधान कर रहे हैं, तब जाकर इसका विरोध किया जा रहा है। मान्यवर, मैं मानता हूं कि आसाम की 6 समुदाय, मोरन, मटक, ताय, अहम, कोच, रजवंशी, सुतिया और टी ट्राइब, इसको भी अनुसूचित जाति के सदस्यता समाहित करने के लिए श्रीमान राजनाथ जी थे, तब से प्रयास हुआ है और इसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। बोडो समुदाय के सांस्कृतिक विकास के लिए भी बोडो म्यूजियम, सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र, कोकजार आकाशवाणी व दूरदर्शन का आधुनिकरण, सुपरफास्ट और नई एक्सप्रेस का नामकरण भी ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने ही किया है। आसाम के इश्यू को भी हम इस प्रकार से मान्यवर एड्रेस कर रहे हैं। इसलिए आज इस सदन के माध्यम से मैं समग्र नॉर्थ ईस्ट की जनता को कहना चाहता हूं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के चिंताओं का निराकरण इस बिल के अंदर समाहित है। कोई उकसावे में मत आना, कोई आंदोलन मत करना, बहुत हो चुका, अब ये देश शांति के साथ आगे बढ़ना चाहता है मान्यवर। और ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से चर्चा नहीं की, विगत एक मास के अंदर 140 से ज्यादा संस्थाएं मान्यवर, 140 से ज्यादा अलग अलग एनजीओ, राजनीतिक दल, जिसमें कांग्रेस की पार्टी के सभी राज्यों के नेता भी थे और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मैंने लगभग 119 घंटे चर्चा की है मान्यवर, 119 घंटे। और उन्होंने जो सुझाया वो सारे सुझाव इसके अंदर मैं समाहित करने के लिए आया हूं। मेरे पास ढेर सारा लिस्ट है, मगर पूरा लिस्ट मैं नहीं पढ़ूंगा, अगर वो उठाएंगे मुद्दा तो मैं जरूर पढ़ लूंगा, परंतु सभी लोगों के साथ मैं ये कर आया हूं मान्यवर। इसके साथ हम एक और इसमें रियायत भी दे रहे हैं कि अभी न्यूनतम रेसिडेंसी पीरियड 1+11=12 है, अब हम 2014 का कट ऑफ डेट रख रहे हैं, 31 दिसंबर 2014 का, तो उन लोगों को 11 साल होगा
14 और 11 मतलब 25 में, तो हम इसको कम कर 1+5 कर रहे हैं, तो 14 से 6 2020 में सब एप्लीकेशन भी कर जाएंगे और जल्दी से नागरिक बनकर भारत की मतदाता सूची में भी आएंगे, तो उसके अंदर भी हम उनको बहुत बड़ी रियायत दे रहे हैं मान्यवर। और मैं मानता हूं कि ये जो रास्ता श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रशस्त किया है, वो रास्ते को के माध्यम से देश के लाखों करोड़ों आज जो देश में रहने वाले 3 देशों के धार्मिक प्रताड़ना के कारण यहां आए हुए हैं, माइनॉरिटी है, लघुमती है, वो लघुमतियों को मतलब हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और स्मृति बहन कह रही है पारसी, हाजी बहन पारसी भी है, पारसी समेत सभी माइनॉरिटी को यहां पर नागरिकता देने का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। आज अभी भी फिर भी बिल को पुरस्थापित करते वक्त बहुत सारे सदस्यों ने बिल की इस सदन की कॉम्पिटेंसी पर सवाल उठाया था, वैधता के बारे में कि हम इसका इस बिल संवैधानिक रूप से ये सदन ले सकता है या नहीं ले सकता है, अभी भी किसी के मन में संशय है, प्लीज आपके वक्तव्य के अंदर जरूर सदन के पटल पर रखेगा। मैं एक शब्द चुराए बगैर, एक सांसद को चुराए बगैर हरेक का बहुत डिटेल में जवाब दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा दायित्व तो है कि विपक्ष के भी सारे सांसदों के सवाल का जवाब देना और इसको जस्टिफाई करना। तो मान्यवर इतनी भूमिका के साथ मैं इस बिल को सदन के सामने विचार करने के लिए प्रस्तुत करता हूं और आप सभी लोग रचनात्मक दृष्टि से इसको ले, इतनी विनती कर मेरी बात को समाप्त करता हूं।